आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने एक कुकर गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गरम होने दीजिए। फिर इसमें डालना 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची क्रश करके डाल दीजिए इसमें। अब इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। अब इसमें डाल देना है लहसुन, 8-10 कलियां मैंने क्रश करके डाला है। अब इसमें डाल देना है 3-4 लौंग, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आलू को मैंने काट कर डाल दिया है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। नमक अभी मैं बहुत कम डाल रही हूँ, सिर्फ आलू के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। और इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। फिर डालना है इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, टमाटर अभी बहुत महंगे हैं हमारे तो यहाँ, तो अभी टमाटर के रेट 200 रुपये किलो है। आपके यहाँ कैसे है मुझे कमेंट करके बताइए। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अब इसमें डालना है सोयाबीन। सोयाबीन को आप सोक कर लीजिएगा, मैंने तो नहीं किया था लेकिन आप कर लीजिएगा। और फिर मैंने चावल डाल दिया है 1 गिलास। चावल को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए सोक कर लिया है, अच्छी तरह से धोकर फिर इसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए सोक कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो कोई इशू नहीं, फिर भी अच्छी बनेगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक 2 चम्मच, अब इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 गिलास पानी। जितना चावल लेंगे आप उतना ही पानी भी डालना है, ठीक है। और अब इसे 1 सीटी लगा लेते हैं हम। इसे उतार लीजिए और ये देखिए मैंने बाकी की गैस निकाल दी है। चावल हमारा पक गया है। चावल देखिए कितने खिले खिले पके हैं। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि चावल पक गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए चावल पक गया है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।